सो हाय गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस मोबाइल फोटोग्राफी। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है गाइस, फोटोग्राफी जो है आज के टाइम में बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ बन चुकी है। एंड गाइस, आज के टाइम में हर कोई जो है फोटोग्राफी करना चाहता है, बट गाइस हर किसी के पास जो है DSLR नहीं है। बट गाइस, आजकल हर किसी के पास नॉर्मली एंड्रॉइड फ़ोन हैं, जो कि गाइस आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि आप एंड्रॉइड फ़ोन से भी गाइस एकदम नेक्स्ट लेवल फोटोज़ कैसे क्लिक कर सकते हो। तो गाइस, सारी सेटिंग्स आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। एंड गाइस, आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जो है गाइस वीडियो को एकदम कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस, वीडियो पर जो है आप मतलब कि थोड़ा सपोर्ट बनाओ, ताकि यार जो है मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चले गाइस, आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। जब आप फोटोज़ को क्लिक करोगे तो गाइस आप लोगों को जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि गाइस ये जिस जगह जिस लोकेशन पे आप लोग फोटोज़ को क्लिक करोगे वहाँ पे गाइस ज़्यादा शेडोज़ भी ना हो एंड ज़्यादा ब्राइटनेस भी ना आए। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे अगर कई बार होता है कि जब आप फोन से फोटोज़ को क्लिक करते हो तो गाइस कपड़ों पे जो ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है, तो जिसकी वजह से जब आप फोटोज़ को एडिट करते हो तो उस पर जो है आप अच्छे से कलर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो। तो गाइस आपको कुछ ऐसी लोकेशन ही ढूंढनी है जिस पर ज़्यादा ब्राइटनेस ना हो और शेडो ना हो। तो जैसे कि गाइस हमारी जो लोकेशन है वो कुछ इस टाइप की है। एंड गाइस इस लोकेशन पे जो हम फोटोज़ को क्लिक करेंगे। एंड गाइस आजकल के टाइम में वैसे भी गाइस फोन से जब फोटोज़ को क्लिक करते हैं तो गाइस ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं, जैसे गाइस अभी हम कैमरे से वीडियो को शूट करते हैं लोग नोटिस कर रहे हैं, बट गाइस हम एडजस्ट कर रहे हैं। बट गाइस आपको जो है फोन से आप फोटोज़ को क्लिक करने का यही फायदा है कि ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं। तो बाकी चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि गाइस आजकल के टाइम में जो है हर कोई फोटोज़ को जब क्लिक करता है तो गाइस उसका जो फ्रेम होता है फोटो का वो गाइस फुल फ्रेम में फोटोज़ को क्लिक करते हैं, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है। जिससे गाइस कि जब आप फुल फ्रेम में फोटोज़ को क्लिक करते हो तो गाइस उस टाइम में जो आपकी फोटोज़ को जो है मतलब कि पूरी तो आ जाती है, बट आप लोग सोचते हो कि उसकी जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी आएगी। बट गाइस कभी आप उस फोटोज़ को जूम करके देखना, आपकी जो क्लियरिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार आती है एंड जो आपकी फोटोज़ है जो उसके पिक्सल जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। बट गाइस अगर आप फोटोज़ को उसी फोटो को अगर आप 4:3 में अगर क्लिक करते हो तो गाइस आपकी जो क्वालिटी है गाइस वो फुल फ्रेम से वो काफ़ी मतलब बेटर हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 4:3 में गाइस आपका जो सेंसर है वो फोटोज़ को जो है अच्छे से गाइस स्कैन कर पाता है एंड जो फोटोज़ है आपकी वो एकदम अच्छी आती है। जैसे गाइस मैं आपको अभी फोटोज़ को क्लिक करके दिखाता हूँ कि गाइस आपकी फोटोज़ जो है कैसी आएंगी। तो गाइस अब बात करते हैं अपने एक लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि गाइस हर कोई जानना चाहता है कि गाइस कैमरे के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें गाइस कंटिन्यूस मोड होता है, और उसमें जो है आप मतलब कि आपको मूवमेंट करनी होती है और आपकी जो फोटोज है उसमें कंटिन्यूसली क्लिक होती है एंड उसमें से कोई एक मेन मतलब कि एक अच्छी सी फोटो आप सेलेक्ट करके उसमें से आप फोटोज को कोई भी अपलोड कर सकते हो। बट गाइस आपकी सेम चीज़ आपके फ़ोन में भी होता है, आपको कैसे कर सकते हो गाइस वो मैं आप सभी को बताता हूँ। गाइस जो आपके फ़ोन में जो आपको क्लिकर बटन होता है जिसमें गाइस आप फोटो क्लिक करते हो, अगर आप उसको कंटिन्यूसली प्रेस करके रखते हो तो वहाँ पे जो है गाइस आपकी कंटिन्यूस फोटोज क्लिक हो जाती है एंड आप मूवमेंट करते हो तो वहाँ पे आप कोई भी एक बेस्ट फोटो को अपनी क्लिक करके सेलेक्ट करके एंड उसको आप अपलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको कैसे करना है वो मैं आपको अगर वीडियो में बताता हूँ, तो गाइस आप वीडियो को वॉच करो जब तक। बस आज की जो वीडियो है हमारी यहीं तक की थी, जो कि गाइस आप सभी ने देखा, मैंने आपसे बताया कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस आपको कैसी लगी वीडियो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गाइस मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।